प्रतियोगी परीक्षा में तमाम प्रकार के कदम उठाने के बाद भी प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। राजस्थान में रीट परीक्षा की तरह ही पटवारी भर्ती परीक्षा भी साफ सुथरी नहीं हो सकी। राजस्थान में पहले रीट परीक्षा और अब पटवारी परीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रीट के बाद पटवारी परीक्षा में कई घुरुघंटाल के कारनामे सामने आ रहे हैं। बता दें कि पटवारी परीक्षा में अब तक 30 से ज्यादा नकलची गैंग के सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में तमाम प्रकार के कदम उठाने के बाद भी प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। रीट परीक्षा के बाद परीक्षा रिपीट रीट परीक्षा के बाद पटवारी परीक्षा में लगातार डमी कैंडिडेट और डमी पेपर से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में रीट परीक्षा की तरह ही पटवारी भर्ती परीक्षा भी साफ सुथरी नहीं हो सकी। परीक्षा में 10-10 लाख रुपए में डमी पेपर बेचने का मामला सामने आ रहा है। जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और उन्होंने डमी पेपर बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। खबरों की मानो तो पकड़ा गया आरोपी डिफेंस अकेडमी चलाता था और उससे पेपर के बदले अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए बतौर एडवांस लिए थे। वहीं उदयपुर में पुलिस ने एक डमी अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया है जो जोधपुर के नैनाराम जाट की जगह परीक्षा में बैठा था। इसके अलावा जोधपुर में सीएचपी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पेपर बेचते हुए 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख की नकदी, मोबाइल फोन, डायरी, प्रिंटर भी जब्त किए हैं। आरोपी पेपर के बदले 2 लाख रुपए ले रहे थे। हालांकि राहत की बात यह है कि जांच में ये पेपर फर्जी पाया गया। बीकानेर में गिरोह के 4 सदस्य अब पुलिस के शिकंजे में हैं। वहीं बारा में एक डमी कैंडिडेट, भरतपुर में पुलिस की एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा देने से पहले ही जब्त कर लिया। रिपीट 10 अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा देने से पहले ही दस्तयाब किया है।